और खबर बता दूं ट्विटर के बारे में, जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं उसके बारे में एक और खबर बता दूं, फिर आता हूं आपके पास। भारत में पहले से ही विवादों में है ट्विटर। ट्विटर ने मोहन भागवत समेत कई दिग्गजों का ब्लू टिक तो आज हटाया है, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड कहा था। उनसे जब पूछा गया कि आपने किस आधार पर कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना फैक्ट चेक किया है। लाल किला हिंसा के बाद 1100 हैंडल्स को लेकर विवाद हुआ था। केंद्र के कहने पर भी विवादित अकाउंट बंद नहीं किए गए। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा दिल्ली में जब लाल किला हिंसा हुई थी तो उस समय दिल्ली पुलिस ने खुद कहा था कि कुछ अकाउंट जो देश के बाहर से बने हैं वो देश में ट्विटर के इन अकाउंट के जरिए माहौल खराब करना चाहते हैं। तो सवाल है कि एक कंपनी जो बाहर की है वो देश में देश विरोधी ताकतों को साजिश करने का के लिए प्लेटफॉर्म कैसे दे सकती है। और इसीलिए अगर ये गाइडलाइंस लाई जा रही है तो इसमें सरकार की निष्पक्षता का सवाल पहले आता है या इस कंपनी की निष्पक्षता का सवाल पहले आता है? विवादों में क्यों है ट्विटर, पहले ये समझिए। उपराष्ट्रपति, हमारे देश के जो दूसरे जो सबसे सम्मानित जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो नेता हैं, उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया। वो भी इस कंपनी ने ब्लू टिक हटाने के बाद फिर गलती मानते हुए ब्लू टिक लगा भी दिया। मोहन भागवत जो कि संघ प्रमुख है, उनके ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया। आरएसएस के दिग्गज नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया। संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड कहा गया, जिसके बाद मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग उनके ट्वीट के पास लगा दिया गया। 24 मई को ट्विटर के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर उनको कोई मिला नहीं। और लाल किला हिंसा के बाद 1100 ट्विटर हैंडल पर विवाद हुआ था, दिल्ली पुलिस ने खुद कहा था। और गाहे बगाहे कई बार ये एजेंसियां कहती हैं कि ट्विटर हैंडल जो देश के बाहर बैठे लोग वहां से ऑपरेट कर रहे हैं वो देश में इन हैंडल्स का इस्तेमाल देश के खिलाफ करते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भी कई हैंडल ब्लॉक इस कंपनी ने नहीं किए। सोशल मीडिया के नए नियमों को लेकर सरकार से ट्विटर का टकराव मुखर है, काफी इस वक्त चल रहा है। और ट्विटर ने अभी तक नए नियमों को मानने पर अपनी रजामंदी नहीं दी है, हामी नहीं भरी है। राजीव तुली, तो ये सवाल यहां पर ये है, आप चलिए आप अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से फैक्ट चेक कर रहे हैं, आपको ये आधार तो बताना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी है ये, कोई नॉर्थ कोरिया या चाइना नहीं है। यहां पर आपको मैं आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास आऊंगा, मैं आपको ये बताना तो पड़ेगा कि आप कोई कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। गौरव भाई, मेरे को ना यहाँ दो बातें कहनी है। पहली बात तो ये है कि ट्विटर की एक अपनी रिपोर्ट है जो उन्होंने जनवरी 2018 में छापी थी। उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि हमें 3814 ऐसे अकाउंट मिले हैं जो इंटरनेट रिसर्च एजेंसी, जो रशियन गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, उसके द्वारा ऑपरेटेड है। इन अकाउंट्स ने 1,75,000 बार ट्वीट किया है और लगभग 14 लाख अमेरिकन तक ये जो है ये उस चुनाव के दौरान में पहुंचे हैं। तो एक ये मान लीजिए कि ये अपने आप को एक रिपब्लिक मानना, पैसा लेकर के वो कैम्ब्रिज एनालिटिका करके एक कंपनी का नाम आया था जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह जी के नेता का नाम जुड़ा था कि वो उनको मिले, उनसे पैसे की डील हुई और वो सब उन्होंने ट्विटर को मैनेज किया, मैनिपुलेट किया। तो ये सब बातें ट्विटर के बारे में है, उनकी कुछ पॉलिसीज कुछ स्थानों पर प्लेस में होंगी, मगर समस्या ये है कि उन पॉलिसियों पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उन पॉलिसीज का कंसिस्टेंसी नहीं है उन पॉलिसीज में। आप कहीं तो एक, मैं अभी आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ, पूरी फहरिस्त दे सकता हूँ जो 6 महीने से क्या 2 साल से अधिक समय हो गया उसमें से ट्वीट नहीं हुआ। आज भी ब्लू टिक है, जो कहते हैं जय श्री राम जो है वो टेररिस्ट नारा है, उनका ब्लू टिक आज भी बढ़कर आ रहा है। आप एक बार ट्विटर पर लिख के देखिए अपने वेरीफाइड अकाउंट से कि अल्लाह अकबर जो है वो आतंकियों का नारा है, आपका ट्विटर अकाउंट तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है उनके व्यवहार में और अपने आप को भारत के जो भारत का जो संविधान है, भारत की जो संप्रभुता है, भारत के जो नियम कानून है, मैं अखिलेश जी से इसका जवाब देता हूँ। अखिलेश जी इसका जवाब, और एक छोटा सा सवाल मेरा भी इसमें, अखिलेश जी जो बात राजीव टुली कह रहे हैं उसमें आपका जवाब, और एक छोटा सा सवाल, अगर कोई कंपनी निजी भी है उसके अपने नियम कायदे भी हैं तो क्या उसको इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि वो देश विरोधी ताकतों को अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने दे इस देश के खिलाफ? आप लोग ये सारी बहस करके कि सरकार की नाकामियों का ही ढिढोरा पीट रहे हैं, हर कोई रो रहा है, तुली जी रो रहे हैं, अभिषेक जी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं ट्विटर बड़ा खराब है, बहुत दलीलें दी जा रही है। सरकार क्या कर रही है, किस लिए बैठी है, बिलाप करने के लिए बैठी है सरकार? राजू टुली एक मिनट, इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं इसलिए एक ही आदमी की आवाज जा पाएगी। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा अखिलेश जी बोलने। ये ये
ये सारे लोग जो आज विलाप कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के समर्थक लोग, कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही है? अगर इतना सब कुछ आपके पास है, या तो आप लोग सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ है नहीं, और अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? या तो ट्विटर लीगली मजबूत है, इसलिए आप लोग तो खुद ही अच्छी काम कर रहे हैं, सरकार की असली हैसियत दिखा रहे हैं। देखिए, हमें किसी की हैसियत दिखाने या नहीं दिखाने का बात की मतलब नहीं है, बात यहाँ पर अखिलेश जी समझिए क्या है। बात नहीं, और भी लोग हैं, मेरे पास समय कम है, आप अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। हम आप लोगों की सारी बातें मान ले, रो क्यों रहे हैं लोग, कार्रवाई क्यों नहीं? सत्ता में बैठे क्या काम बोलता है, उसका निर्णय बैठता है, उसका विलाप नहीं, विलाप करने के लिए सत्ता नहीं मिलती है। अगर कोई अमर्यादित संसदीय इलीगल काम कर रहा है, सवाल उठाना, अगर विलाप करना है अखिलेश जी, तो फिर मैं आपको और क्या कहूँ, आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप कितने, आप कम से कम 50 सवाल इसी डिबेट में मोदी सरकार पर या केंद्र सरकार पर उठा चुके हैं। मैं कहूँ कि आप विलाप कर रहे हैं। अरे आप पहले कंसेप्ट समझिए, सरकार का काम विलाप करना नहीं है, सरकार में बैठे लोगों का काम विलाप करना नहीं है, सरकार में बैठे लोगों का काम निर्णय लेना है। नहीं तो वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। कार्रवाई के लिए सरकार ने चेतावनी दी है, नोटिस दिया है, आप उस पर आपत्ति जता रहे हैं। कार्रवाई का हम तो 6 महीने से सुन, सालों से सुन रहे हैं। अच्छा बताइए, मुझे एक खबर दिखानी है, लेकिन अखिलेश प्रेम शुक्ला 20 सेकंड का रिएक्शन, कार्रवाई नहीं कर रहे आप लोग, खाली कार्रवाई का दिखावा कर रहे हैं। मैं कुणाल गुप्ता उसके पास आपके पास आऊंगा एक खबर दिखा के। देखिए, कार्रवाई जैसे ही होती गौरव जी, वैसे राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस की सपा ब्रिगेड विधवा विलाप करना प्रारंभ कर देती है। आप विधवा विलाप करते रहिए, भारत की संप्रभुता पर प्रहार करने वाले किसी भी शक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे ट्विटर हो या, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि लेकिन यहाँ पर कोई और, मुझे लगता है कि यहाँ पर पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बात मुद्दे की कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।